हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, ये फूल उड़ते उड़ते मेरे कक्ष में भी आए, परंतु इन फूलों को तो राजमहल के जलकुंड में खिलना चाहिए, क्यों महाराज? अवश्य महारानी। मित्र दिव्य, हम इन फूलों को अपने जलकुंड में खिलाएंगे। परंतु गंधमादन पर्वत पर जाने से लोग घबराते हैं, कहते हैं इन फूलों को कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ नहीं सकता? यदि यह सत्य है तो ये फूल यहाँ आए कैसे? हमें ये फूल चाहिए और हम इन्हें प्राप्त करके रहेंगे। ये प्रयास मत कीजिए, इन फूलों को तोड़ना असंभव है महाराज। असंभव को संभव बनाना द्वैत जानता है। मेरी शक्ति के आगे सब कुछ संभव है। तो आप हमें ये फूल लाकर देंगे? महारानी की इच्छा और वासुदेव की आज्ञा को कौन टाल सकता है? मैं गंधमादन पर्वत से ये अनोखे कमल अवश्य तोड़ लाऊंगा। जाओ तिवित। प्रभु, अब मेरी समझ में आ रहा है कि आप इन दिव्य कमलों के द्वारा पौंड्रक को किस प्रकार से दंड देंगे। देवी, पौंड्रक और दिव्य वानर जैसे अधर्मियों को दंड देने के लिए हनुमान जैसा योग्य दंडनायक कहाँ मिलेगा? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु, हे स्वामी, अपने दास की पूजा स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। मैं इस दिव्य कमल को आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूं, इसे अपने चरण स्पर्श करने की आज्ञा दीजिए। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। देखने रे देवी, मेरे परम भक्त ने ये दिव्य कमल मुझे अर्पित किया है, जिसे सुनते ही मेरी अंतरात्मा में सुगंध का एक तूफान सा भर गया है। अच्छा। लो देवी, तुम भी आनंद लो। मैं प्रभु, इस कमल की सुगंध ने तो मेरी अंतरात्मा को भी तृप्त कर दिया। ऐसी सुगंध तो स्वर्ग के फूलों में भी नहीं होती। हो भी कैसे सकती है? अरे इसमें तो मेरे परम भक्त हनुमान की श्रद्धा, स्नेह और आदर की सुगंध बसी है। हनुमान के अतिरिक्त कोई भी इन कमलों को छू भी नहीं सकता, चाहे वो मानव हो या दानव। जिसका बुरा समय आया हो वही इन्हें छूने की मूर्खता दिखाएगा और दंड पाएगा, है ना? यही तो मैं करने जा रहा हूँ। इन कमलों के द्वारा मैं पौंड्रक को दंड दूंगा। वो कैसे प्रभु? देवी, स्वयं अपनी आंखों से देख लो।
महाराज आप ठहरे भगवान, भगवान वासुदेव, आपसे भला कोई कैसे जीतेगा? जीतना तो तुमसे भी आसान नहीं है काशीराज। हाँ, मुझसे भी कोई जीत नहीं सकता, परंतु आपको भगवान मानकर जानबूझकर हारना पड़ता है, वरना लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी। मेरे होते हुए वासुदेव भगवान पौंड्रक की श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, तुम्हारे होते हुए हमारे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रहेगी। और आपको भगवान न मानने वालों की संख्या हम घटाते रहेंगे। लोग न केवल आपको वासुदेव भगवान मानने लगे हैं, बल्कि कई मूर्ख अब मुझे हनुमान मानने लगे हैं। हनुमान प्रणाम पवन पुत्र। इतनी अनोखी सुगंध। हाँ, ये सुगंध कमल के इस फूल से आ रही है। आहा, ऐसी मधुमाती सुगंध और कमल के फूल से, वाह वाह। हाँ, ये कोई साधारण कमल का फूल नहीं है। हाँ, पता करो ये कमल का फूल किस सरोवर का है। किसी सरोवर के नहीं हो सकते। सुना है गंधमादन पर्वत पर एक दिव्य सरोवर है, यहां ये कमल खिलते हैं। गंधमादन पर्वत पर? महाराज, ये फूल उड़ते उड़ते मेरे कक्ष में भी आए, परंतु इन फूलों को तो राजमहल के जल कुंड में खिलना चाहिए, क्यों महाराज? अवश्य महारानी। मित्र दिवित, हम इन फूलों को अपने जलकुंड में खिलाएंगे। परंतु गंधमादन पर्वत पर जाने से लोग घबराते हैं, कहते हैं इन फूलों को कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ नहीं सकता? यदि यह सत्य है तो ये फूल यहाँ आए कैसे? हमें ये फूल चाहिए और हम इन्हें प्राप्त करके रहेंगे। ये प्रयास मत कीजिए, इन फूलों को तोड़ना असंभव है महाराज। असंभव को संभव बनाना द्वैत जानता है। मेरी शक्ति के आगे सब कुछ संभव है। तो आप हमें ये फूल लाकर देंगे? महारानी की इच्छा और वासुदेव की आज्ञा को कौन टाल सकता है? मैं गंधमादन पर्वत से ये अनोखे कमल अवश्य तोड़ लाऊंगा। जाओ तिवित, शीघ्र ही एक कमल लेकर आओ, हमारी महारानी प्रसन्न हो जाएगी। क्यों महारानी? प्रभु, अब मेरी समझ में आ रहा है कि आप इन दिव्य कमलों के द्वारा पौंड्रक को किस प्रकार से दंड देंगे। देवी,
पौंड्रक और दिव्य वानर जैसे अधर्मियों को दंड देने के लिए हनुमान जैसा योग्य दंडनायक कहाँ मिलेगा? मायावी शक्ति से मुझे रोक रहा है। हे असुर दिव्यद, तुम यहां से ये दिव्य कमल पुष्प नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इन दिव्य कमल पुष्पों पर केवल मेरे प्रभु का अधिकार है और मैं हर रोज इन्हीं दिव्य पुष्पों से अपने प्रभु की पूजा करता हूं। कौन है तुम्हारा प्रभु? श्री राम। और मैं हूं उनका भक्त हनुमान। अच्छा, तो तुम ही हो वो मायावी जो अपनी माया से लोगों को भ्रमित कर रहे हो और अपने आप को हनुमान समझते हो? मैं समझता नहीं हूं, मैं स्वयं हनुमान हूं। सचमुच वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। अरे बुढ़े, इस सरोवर के सारे फूल मैं तोड़ ले जाऊंगा। यदि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। जय श्री राम। Yeah.
रुक जाओ, तुम्हें श्री राम की सौगंध है। यह अच्छा अवसर है। आपके संकेत के अनुसार मैं इस असुर को छोड़ देता हूं। यह पाखंडी अवश्य धोखा करेगा और मुझे बंदी बनाएगा। इस बहाने मैं इसके साथ चला जाऊंगा और पौंडरक के पास पहुंचकर उसे अंतिम चेतावनी दूंगा कि यदि उसने अपने आप को वासुदेव समझना नहीं छोड़ा तो फिर मेरे प्रभु उसका वध कर देंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। कमल पुष्पों को ले जाने से कैसे रोकोगे मुझे? जय श्री राम। भी हो, तुमने अपनी माया से कमल सरोवर को अदृश्य कर दिया है। तुम्हारे इस अपराध का दंड तुम्हें इसी पल में दे सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम्हें केवल मृत्यु दंड मिलेगा और यह दंड तुम्हें वासुदेव पौंडरक देंगे।